Neeraj Chopra up next, the Olympic champion. We would love to add the World Championship gold here. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे नफरत पर नीरज का भाला। पिछले दिनों जैवलिन थ्रोवर भारतीय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा का खेल के मैदान में ना सिर्फ कौशल दिखा बल्कि उनके बड़े दल की मिसाल भी पेश हुई। जीत के उत्साह में उन्होंने प्रतिद्वंदी को जहां गले से लगाया तो वहीं नीरज की मां ने भी बड़ी बात कही। पाकिस्तान के खिलाड़ी अर्शद नदीम को लेकर नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी ने जब उनसे पूछा गया नीरज ने फाइनल में पाकिस्तानी प्लेयर को हरा दिया है, आपको कैसा लग रहा, तो उन्होंने राइवलरी को बढ़ावा ना देकर जो कहा उसने सरहद के दोनों पार लोगों के दिल जीत लिए हैं। देखिए रिपोर्ट। नीरज चोपड़ा अप नेक्स्ट, द ओलंपिक चैंपियन। वी वुड लव टू ऐड वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड हियर। Neeraj Chopra up next, the Olympic champion. We would love to add the World Championship gold here. नीरज का खेल की दुनिया का सफर, खिलाड़ी होने की यात्रा संघर्षों, झंझावातों और चुनौतियों से होकर गुजरी। चंद बरस पहले नीरज बढ़ते वजन से परेशान एक युवा थे। 13 साल की उम्र में उनका वजन 80 किलोग्राम हो गया था, जिसकी वजह से उनकी उम्र के दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। आखिर नीरज ने ना सिर्फ अपने शरीर को साधा बल्कि अपने मन को अनुशासित किया। इसके बाद वह लगातार आगे बढ़ते रहे, कीर्तिमान गढ़ते रहे। उनके पांव जमीन पर हैं, तभी वह भाला फेंकते हैं तो दूर तक जाता है। अब तक कोई एथलीट जो गौरव नहीं दिला पाया था वह नीरज ने दिलाया। उनकी लगन, परिश्रम, निष्ठा और खेल भावना बेजोड़ है। 2018 में एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड, 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर, 2022 में ही डायमंड लीग में गोल्ड, 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने का करिश्मा। नीरज चोपड़ा ने जीत लिया दिल। जैवलिन थ्रोवर भारतीय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जाहिर तौर पर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। जैसा कि मालूम है कि दिग्गज जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 27 अगस्त को बुडापेस्ट में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड अपने नाम कर लिया। नीरज की जीत पर न केवल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी बल्कि देश भर से उनके लिए बधाई संदेश आ रहे हैं। नीरज के पानीपत स्थित गाँव में भी त्योहार का माहौल दिखा। बहरहाल नीरज की इस जीत ने खेल की दुनिया में रिकॉर्ड ही नहीं बनाया बल्कि नफरत की सियासत पर करारी चोट भी है। नफरत और घृणा पर नीरज की सोच के नुकीले पन्ने खेल के मैदान में ही ये सिद्ध कर दिया कि खेल सिर्फ खेल होता है। इसमें कभी कोई विजेता तो कभी कोई विजेता बन जाता है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने पाकिस्तान के अर्शद नदीम को गले लगाया। नीरज और अर्शद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। नीरज ने गोल्ड जीतने के बाद अर्शद को गले लगाया और उनके साथ फोटो भी क्लिक करवाई। नीरज का अंदाज फैंस को काफी पसंद आया। कई एक्स यूजर्स ने नीरज की तारीफ में पोस्ट शेयर की है। बता दें कि इससे पहले भी नीरज और अर्शद एक दूसरे के साथ देखे जा चुके हैं।
माँ की चैंपियन बात। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उन्होंने देश को पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में गोल्ड मेडल जितवाया। उनके 88.17 मीटर के थ्रो ने करोड़ों भारतीय फैंस का सपना पूरा कर दिया। इसी के साथ पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नीरज के नाम का डंका बज रहा है। नीरज तो देश के लिए खुद किसी स्वर्ण पदक से कम नहीं है, लेकिन उनका परिवार भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल नीरज चोपड़ा की मां का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वह पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम को लेकर बात कर रही हैं। दरअसल नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी से जब पूछा गया कि नीरज द्वारा फाइनल में पाकिस्तानी प्लेयर को हराया गया, आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने राइवलरी को बढ़ावा ना देकर कुछ ऐसा बयान दिया जिसने सरहद के दोनों पार के लोगों के दिल जीत दिए। सरोज देवी ने जवाब देते हुए कहा कि देखो, सब लोग मैदान में खेलने आए हैं, कोई ना कोई तो जीतेगा ही, इसलिए पाकिस्तान या हरियाणा से होने वाले का सवाल ही नहीं उठता। मैं पाकिस्तान से जीतने वाले खिलाड़ी के लिए भी खुश हूँ। कहूँगा जी, बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मेडल दिया है बच्चे का और मेहनत करेगी, यह उम्मीद है। वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं गोल्ड की उम्मीद। हाँ देखो जी, बराबर का मुकाबला था, वो तो रही थी भी चलो कोई सा कोई सा तो लेकर आवेगा, जो नीरज पे आ गया तो मेहनत तो भी बच्चे खूब कर रहे थे और दिए भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पर तो आना ही था। नीरज की मां सरोज देवी कहती हैं कि जो मैदान में सारे खेल खेलने आते हैं कोई ना कोई तो जीतेगा ही, इसमें पाकिस्तान की या हरियाणा की कोई बात नहीं। अरे बड़ी खुशी की बात है, वो पाकिस्तान वाला जीतता तो भी बड़ी खुशी होती। हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम तोड़ने की कोशिश करो, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी हाँ, ये आवाज भी नीरज के गृह प्रदेश की ही है। बता दें कि हाल ही में हरियाणा के मेवात के बदौड़ा मेव में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भाईचारा पंचायत का आयोजन किया गया। किसान संगठनों ने भाईचारा पंचायत में मेव समुदाय का साथ देने का फैसला लिया। इस पंचायत में किसान नेता सुरेश कौथ गुरनाम ने समापन भाषण देते हुए यह बात कही। किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा, अगर इस देश के अंदर किसी ने सिख के खिलाफ उंगली की, मुस्लिम के खिलाफ उंगली की, ईसाई के खिलाफ उंगली की, भाईचारे के खिलाफ उंगली की, वह उंगली गायब कर दी जाएगी। किसान नेता ने मंच से कहा, किसानों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा कर कमजोर करने की साजिश है। सिख के खिलाफ उंगली करी, किसी ने मुसलमान के खिलाफ उंगली करी, किसी ने ईसाई के खिलाफ उंगली करी, या हमारे भाईचारे को तोड़ने की बात करी, वो उंगली तब से गायब हो जाएगी, उंगली नहीं बचेगी। भाई हम लोग सीधी बता देना चाहते हैं, बात याद कर ले, बात के राजनीति बहुत कर ली आप लोगों ने, राजनीति करोगी शिक्षा पर, राजनीति करो रोजगार पे। किसान नेता ने सभी किसानों से भाईचारे की अपील करते हुए एक होकर रहने को कहा। वहीं पंचायत में कहा गया, देश भारत के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। नीरज चोपड़ा की जीत पर जश्न। बहरहाल नीरज चोपड़ा की जीत पर पानीपत स्थित उनके घर पर जश्न का माहौल दिखा। नीरज चोपड़ा के परिवार के सदस्य इस जश्न में शामिल रहे। नीरज की जीत पर उनके गांव में लड्डू भी बांटे गए। वहीं नीरज की जीत पर उनके पिता ने बयान देते हुए अपनी खुशी जाहिर की। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार ने अपने बेटे के जीत के पलों का आनंद लेते हुए कहा कि यह न केवल हमारे परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव और देश के लिए आनंद लेने और जश्न मनाने का क्षण है।
वह देश के लिए बहुत खुशी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, यह हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का दिन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता। हमें उम्मीद थी कि वह बेहतर प्रदर्शन करेगा और वह उस पर खरा उतरा। बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर उनके पिता सतीश ने कहा कि यह हमारे परिवार, हमारे गांव और पूरे देश के लिए एक स्वर्णिम क्षण है। उनका स्वर्ण पदक देश के लिए एक खुशी का क्षण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और माता पिता को भी समझना चाहिए कि उसके बेटे को जो जरूरत है, चाहे पढ़ाई का हो या फिर खेल का, उसमें बच्चों का साथ दे। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए, तो है ही, हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो आप हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना आंख नहीं जता सकते, वो देश के लिए परफॉर्म करता है। और रही उसकी एक जीवनी, जैसे छोटा सा था तो हमारी माता जी थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, 10-12-13 साल हो गए, तो उनके लाड प्यार उसके ज्यादा थे। उसने काफी कुछ उसको खिलाने के लिए दिया, वो मोटा बना लिया, तो फिर हमें लगा कि मोटा होने के बाद ये काम कर नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा कुछ, और आगे दिक्कतें आएंगी इसके जीवन में। तो उसको जिम ज्वाइनिंग करवाई, जिम ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वहां उसका मन नहीं लग गया, या मेरे बच्चे के मन में भी आता है, मैं खुल के ना बताए भाई, वो उससे काम से भाई चल मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हटना चाहता है भाई, या मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि भाई जैसे वे कह रहे हैं वैसे है भी कि नहीं। तो वहां पे जाके देखा तो उसका वैसा ही मिला, लोग परेशान करने वाले ज्यादा होते, छोटा बच्चा था, अब बड़े प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग, भाई तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, यही बात थी बस। तो फिर पानीपत में एक स्टेडियम के पास ही जिम थी, उसमें उसकी ज्वाइनिंग करवाई। तो वहां ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहां खाली टाइम बचता था प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस के बाद तो वहां पे स्टेडियम में जयवीर था लड़का पिंजौर गांव का, उसका शॉर्ट नाम मोनू है, तो उनसे संपर्क हुआ। तो उन लोगों ने पूछा भाई तुम कहां से आते हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, रोज आते हो, बैठ जाते हो? तो फिर इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूं और मेरे पापा मेरे अंकल यहां काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में, तो उनके साथ जाना होता तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहां बैठ जाता हूं, मैं प्रैक्टिस के लिए करता हूं। तो ठीक है, वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा। तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया, इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया, इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है, तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू। तो फिर हमें भी एक था भी, हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी, ये जैवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में क्या क्या होगा। तो फिर वो बच्चे 5-4 साल सीनियर हैं, तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर है और हम इसके साथ हैं, ये बढ़िया कर रहा है, आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरूप चला हुआ है तो ज्यादा ही ज्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी के चाचा भीम चोपड़ा ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा,
पूरा देश इस पल का जश्न मना रहा है। ये देश के लिए बहुत गर्व का क्षण है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी नीरज की जीत पर बधाई देते हुए कहा, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मैं उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत कई क्षेत्रों में चैंपियन की भूमिका निभा रहा है और आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट हैं। मैं नीरज चोपड़ा, उनके कोच, उनके परिवार और अन्य खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि युवा उनसे प्रेरणा लेंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत के चमकते सितारे को मेरी हार्दिक बधाई। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर एक बार फिर इतिहास रचा है। मीटर के शानदार भाला फेंक के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम सभी को आप पर बेहद गर्व है, सीएम मनोहर लाल ने कहा। देश की रक्षा और खेलों में हरियाणा के युवा हमेशा आगे हैं। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा, उनके परिवार, कोच और साथी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। देश की रक्षा और खेलों में हमेशा हरियाणा का युवा आगे रहा है। हरियाणा सरकार युवाओं के हर कदम के साथ है। नीरज चोपड़ा देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा, जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को, उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ता रहे। चैंपियनशिप के इतिहास में गोल्ड। गौरतलब है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले भले ही वह पहले भारतीय हैं, लेकिन यह उनका तीसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने सिल्वर जीता था, जबकि लॉन्ग जंपर अंजू बाबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वही इस बार जैवलिन का सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नदीम और ब्रॉन्ज मेडल चेक रिपब्लिक के जैकब वॉडलिच के नाम रहा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीत हासिल करते हुए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम को हराकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है।
नीरज चोपड़ा पानीपत जिले के गांव खंडरा के रहने वाले हैं। उनके प्रदर्शन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह रहा। ग्रामीणों का मैच से पहले ही मानना था कि उनका बेटा इस बार स्वर्ण जीत कर लाएगा। उन्होंने भारतीय खेलों को भी दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाया है। इस उपलब्धि भरी सुहानी फिजा में सबसे अहम सवाल ये है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश खेलों में वह मुकाम हासिल क्यों नहीं कर पाया जिसका वह हकदार है। क्या हमारे यहाँ खेल का माहौल नहीं है या फिर सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते या खेल भी राजनीति के शिकार है। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अब तक पदक पाने वाले देशों की सूची में भारत बहुत पीछे है। महज 5 करोड़ की आबादी वाले देश केन्या 65 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं 1 करोड़ की आबादी वाला देश क्यूबा विश्व चैंपियनशिप में 22 स्वर्ण पदक जीत कर अपनी झोली में डाल चुका है। ओलंपिक खेलों की बात की जाए तो वहां भी भारत का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। बता दें कि नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी हमारे यहां कम नहीं है। खिलाड़ियों को समुचित माहौल, प्रशिक्षण और सुविधाएं मिले तो वे पदकों का ढेर लगा सकते हैं, नए कीर्तिमान और रिकॉर्ड बना सकते हैं। रिकॉर्ड सदैव टूटने के लिए होते हैं और टूटना ही प्रगति का प्रतीक होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।